मोदी जी हो जाए अमित शाह व्हाट इज योर व्यू कि ये लोग दिल्ली को अडॉप्ट करते मोदी और अमित शाह तो बिल्कुल ही दिल्ली वाले नहीं है देखो मैं मोदी को 81 में मिली फर्स्ट टाइम जब वो एमए कर रहे थे पार्ट टू और उनके मेंटर थे जो मेरे भी मेंटर थे प्रोफेसर प्रवीण शेट्टी और उनकी वाइफ सुरभी तो मोदी भी वहां रोज आते थे मैं भी उनको वहां 81 में मैं भी यंग थी तब भी मोदी एट्टी वन में बहुत ही पढ़ाई लिखाई करते थे और मुझे बहुत कुछ याद है जिसका अभी टाइम नहीं है कहने को ही वॉज स्टडिंग इन एम ए और उसकी क्लासमेट को भी एक मैं जानती हूँ मैंने उसको फोन करके थोड़े वक्त पहले पूछा था जब अरविंद केजरीवाल बहुत लिख रहे थे ना ट्विटर पे इधर उधर सब अरविंद केजरीवाल क्या के सब लिख रहे हैं कांग्रेस वाले भी कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है तो मैंने उसको कहा कि आप उसकी क्लासमेट है आप बताइए वो वो लॉयर है तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बोलना चाहती कुछ फिर एक प्रोफेसर प्रवीण शेठ तो एकदम मेरे तो खा मेरे कह रहे हो मेरे मेंटर थे गार्डियन थे और सुरभिबेन की अभी डेथ हुई है मोदी ने उनको फ़ोन भी किया था उनके बेटे अमित शेठ को सो मैं ये कहना चाहती थी कि ये मोदी और अमित शाह को आपको अलग देखना पड़ेगा कि ये इंडिया के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको बड़े मतलब उनके ग्रिप में थे पहले से और आपको कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर कौन से देश में मिलेगा जो 83 84 से हुँ. 2001 तक हर एक दिवाली में लिटरली मैप से एक एक डिस्ट्रिक्ट इंडिया के घूमने जाते थे अकेले पाँच दिन वो कोई फोन नहीं कोई कांटेक्ट नहीं थैला लेके निकल के जाते थे और नरेंद्र मोदी के पास 81 से क्योंकि मैं 81 से जानती थी फिर मैं लगातार टच में थी तब 2001 तक उनके पास कोई रजिस्टर्ड घर नहीं था जैसे मेरा घर है अभी यहाँ दिल्ली में तो ऐसे उसका कोई घर नहीं था तो मैं छह सात लोगों को जानती हूँ मेरी लाइफ में तो मैं पूछती थी हसमुख भाई मोदी नी बैग छ मतलब मोदी वहाँ आपके वहाँ बैग छोड़ के गए मतलब मोदी का कोई मोदी की पोस्ट आती थी मेरे ख्याल से संस्कार धाम में तो मतलब उसका घर नहीं था तो ये एक अलग टाइप के तो इसको गुजराती गुजराती मत लीजिए सिर्फ गुजराती मतलब एक लेयर है गुजराती आइडेंटिटी और वो गुजराती आइडेंटिटी क्या है कि बहुत प्रैक्टिकल वो तो बहुत स्ट्रांग आइडेंटिटी जुगाड़ निकालना रास्ता निकालना नेगेटिव हाँ उसका हमेशा मोदी तो पहले से पैदा हुए तब से उसका ग्लास हाफ फुल <laughs> वो वो ऐसा ही रहता है में जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ था जब वो अपने आप को लॉन्च किए थे हाँ. 2013 में क्लिक टू वॉच द एपिसोड